नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सब अपने घरों में बहुत खुश और बहुत स्वस्थ हैं। दोस्तों, हम इंसानी दिमाग की ना बहुत तारीफ करते हैं और इंसानी दिमाग की मेमोरी ना सच में तारीफ काबिल है। मुझे ऐसा लगता है कि इंसानी दिमाग से बड़ा कुछ भी नहीं है, पर मुझे ये जान के एक दिन बड़ी हैरानी हुई कि इंसानी दिमाग से भी बड़ी किसी के पास मेमोरी है और वो एक पदार्थ है। और पता है दोस्तों वो पदार्थ कौन सा है? पानी। पानी की मेमोरी बहुत शार्प है, पानी की मेमोरी एक बहुत लॉन्ग मेमोरी है। पानी कहीं से भी कुछ भी याद करता हुआ आता है, वो कहीं से भी ट्रेवल करता हुआ आ रहा है ना, रास्ते में आने वाली हर चीज को याद करता हुआ आ रहा है। इस पानी पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी हुए। एक जापान के डॉक्टर इमोटो ने पानी पे एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने बहुत सारी पवित्र स्थानों के जो कि फेमस पानी है वहां के पानी के सैंपल्स लिए और उनको माइक्रोस्कोपिक टेस्ट किया। जब उन्होंने उस पर टेस्ट किया तो देखा कि वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो पानी का है वो डिफरेंट डिफरेंट है। जब उन्होंने एक ही सैंपल के पानी को पॉजिटिव वर्ड से बोला जैसे कि लव, तो उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बदल गया और एक क्रिस्टल की तरह हो गया। और जब उसी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वाले पानी को एक नेगेटिव वर्ड बोला आई विल किल यू, तो उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर खराब हो गया। एक पॉल्यूटेड पानी को कुछ अच्छा बोल के आप उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अच्छा कर देते हो। दिस सैंपल शोज, दिस एक्सपेरिमेंट शोज, ये एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है दोस्तों। इस पे और भी बहुत से एक्सपेरिमेंट हुए। एक एक्सपेरिमेंट ये हुआ कि तीन जार लिए गए, तीनों जार में थोड़े थोड़े राइस डाले गए। पहले वाले जार में रोज एक पॉजिटिव वर्ड बोला गया, दैट इज लव। दूसरे वाले जार को इग्नोर कर दिया गया और तीसरे वाले जार को हेट बोला गया। इन तीनों जारों में चावल के साथ साथ पानी डाल दिया गया था और उसके बाद 27 दिनों तक एक जार को लव, एक को हेट और एक को छोड़ दिया, कुछ भी नहीं बोला। 27 दिन बाद जब वो जार खोले गए तो देखा गया जिसको तो रोज लव बोलते थे, पॉजिटिव वर्ड बोलते थे, उस जार का पानी, उस जार के चावल काफी फ्रेश हैं और बहुत सुगंधित हैं। जिसको इग्नोर करते थे, कुछ नहीं बोलते थे, उसमें काई जम गई थी, और जिसको रोज हेट बोलते थे उसका चावल एकदम काला और बदबूदार था। सोचो दोस्तों कितनी तेज मेमोरी है पानी की। दोस्तों, हम किसी के हाथ से भी कभी भी कैसे भी पानी पीते हैं। सोचो घर में आप किसी को पानी दे रहे हो और आप बहुत गुस्से में हो। जैसे ही आपने उसको पानी दिया, उस व्यक्ति ने वो पानी ग्रहण किया और थोड़ी देर बाद उसका भी मूड चेंज हो गया और अचानक वो गुस्से में आ गया और हम सोचते हैं इसको क्या हो गया। उस पानी ने वो मेमोरी ले ली आपसे, वो आपका गुस्सा ले लिया और आपने वो पानी जिस व्यक्ति को भी पिलाया उसके अंदर वो गुस्सा चला गया। जब भी हम पुरानी मूवीज या स्पिरिचुअल मूवीज देखते हैं, हम देखते हैं कि किसी की भी ट्रीटमेंट करते समय अगर कोई लिक्विड या पानी स्पेशली दिया जाता है तो आंख बंद करके उसको ब्लेस करके फिर वो पानी देते थे उसको। वो इसलिए होता था दोस्तों कि वो आंख बंद करके उस पानी को मैसेज देते थे कि इस व्यक्ति को जल्दी से ठीक कर दो और वो ठीक हो जाता था। मैंने एक्सपेरिमेंट बहुत बार किया। आपके घर में अगर कोई चिंता में है या बहुत गुस्से में है, आप उसको बिना बताए हाथ में पानी लेके उसको ब्लेस करो, उस पानी को मैसेज दो कि इनका गुस्सा शांत हो जाए, ये बहुत खुश रहे, और आप जैसे वो पानी देंगे थोड़ी देर में ऐसे लगेगा जैसे मैजिक हो गया, अचानक से वो गुस्सा और चिंता चली जाती है, वो आदमी बहुत हद तक शांत हो जाता है, बहुत हद तक शांत हो जाता है। दोस्तों, आप सोचो ये पानी आपके पास कहीं से तो ट्रेवल करता हुआ है और रास्ते में बहुत सारा गुस्सा, बहुत सारी नेगेटिव चीजें, बहुत सारी पॉजिटिव चीजें लेके आ रहा है और आप उस पानी को ग्रहण कर रहे हो। मेरा सजेशन सिर्फ ये है, आप खुद से पानी पियो या आपको कोई पानी दे, 20-30 सेकंड उस पानी को हाथ में पकड़ के उसे ब्लेस कीजिए। जिस भी भगवान को आप मानते हैं उसे याद कीजिए और बोलिए आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी हेल्दी और उस पानी को पीजिए। इस पानी की मेमोरी का हम फायदा भी उठा सकते हैं। सोचो अगर बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको कोई चीज याद नहीं हो रही, तो आप उनको एक गिलास पानी दे सकते हैं, वो हाथ में पानी पकड़ के उस चीज को पढ़े और वो पानी पी लें, तो ऐसे करके उनकी मेमोरी बढ़ जाएगी और वो चीज जो वाटर की मेमोरी के थ्रू आपकी बॉडी के वाटर से मिली है वो जल्दी से भूलेंगे नहीं। धन्यवाद दोस्तों, पानी से बात करते रहो, स्वस्थ रहो, जल्द मिलेंगे।